आज मैं आप सबकी मुलाकात करवाना चाहती हूँ भारत से आई श्रीमती मनीषा सक्सेना जी से, जो पेशे से एक स्नातकोत्तर हिंदी साहित्य शिक्षिका व दिल से हिंदी प्रेमी हैं। नमस्कार, आप अपने बारे में कुछ बताएं। मैं मनीषा सक्सेना, मैं भारत से हूँ और रहने वाली मैं यूपी की हूँ, और मैं एक पेशे से हिंदी शिक्षिका हूँ। केंद्रीय विद्यालय में करीब 20 वर्ष का मुझे अनुभव है और बच्चे मुझे बहुत प्यार करते हैं और हिंदी वाकई मेरा प्रेम है। तो मॉरिशस आने की कोई खास वजह है मैम? मॉरिशस आने की वजह यह है कि हम यहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्व सम्मेलन में आए हैं, जो कि यहाँ पर 2 दिवसीय सम्मेलन होता है और ये विश्व हिंदी सचिवालय की तरफ से संगठित किया जाता है। उसमें हम IP फाउंडेशन और कैनेडा के कुछ संगठन हैं उनके साथ मिलकर के यहाँ पर आए हैं, और ये हमारा जो अधिवेशन है ये हमारे हिंदी को प्रचार और प्रसार के लिए इसको किया जाता है हर साल। तो मैं यहाँ पर बहुत बड़े बड़े साहित्यकार हैं, कुछ बहुत प्रतिष्ठित कवि हैं और कुछ हमारी सखियाँ भी हैं जिनके साथ हम यहाँ आए हैं, और मैं सोचती हूँ शायद मेरा छोटा सा योगदान होगा हिंदी के प्रचार में। मॉरिशस और हिंदी कुछ विस्तार से बताएं। हाँ बिल्कुल, मॉरिशस और हिंदी बहुत गहरा नाता है हमारा। ये अगर आपने थोड़ा हिस्ट्री में, सबको पता होगा कि जैसे कि 1834 में यहाँ पर जब अंग्रेज थे उनका राज था, तो ब्रिटिशर्स जो थे वो इंडिया से कुछ लोगों को लेकर के आ जाते थे। अच्छा। और आकर के यहाँ पर गन्ने की खेती और ये सब करवाते थे जी। तो उनको हम गिरमिटिया बोला करते थे, और यहाँ ला करके वो उनसे एक्चुअली तो स्लेवरी करवाते थे, पर वो एक कुछ गठबंधन था उनका जिससे कि उनका यहाँ पर काम चल रहा था, लेकिन जब वो यहाँ उनको ले आए तो उनसे स्लेवरी कराई गई, फिर वो यहाँ पर फंस गए। बाद में जरूर ये गठबंधन बंद कर दिया गया था, तो उनको स्लेवरी वाला खत्म हो चुका था, लेकिन फिर भी वो यहीं रह गए और वो पुश्त दर पुश्त यहाँ रहने लगे। तो ये लोग मूल भारतीय निवासी हैं जो यहाँ मॉरिशस में रहते हैं, और अब तो वो बहुसंख्यक हैं। बिल्कुल। तो वो बहुसंख्यक होने के कारण हिंदी का बोलबाला है यहाँ पर, और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं सर शिव सागर राम गुलाम जी, वो भी भारतीय मूल के थे, आज भी नए हैं, वो दूसरे राष्ट्रपति हैं। तो हिंदी का यहाँ पर बहुत धरोहर की तरह से वो उसको बिल्कुल आगे बढ़ा रहे हैं। वैसे यहाँ पर जो इनकी अपनी भाषा है वो है क्रियोल है, फ्रेंच है, इंग्लिश भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर 70% करीब हिंदी बोलने वाले लोग हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज तो इनकी इंग्लिश है बट हिंदी बोलते हैं, फिर भी हम भारतीय हैं और यहाँ आकर के जब हम आते हैं और अपनी हिंदी सुनते हैं तो सच बताऊँ मैं कि इतना अच्छा लगता है हम किसी दूसरे देश में भी अपने भारत को कहीं छू पा रहे हैं। बिल्कुल। तो बस यही भारत, यहाँ मॉरिशस और हिंदी का संबंध है, और शायद इसीलिए मैं यहाँ हूँ। बहुत सुंदर। तो ये बताएं कि आपका अनुभव कैसा रहा यहाँ आकर? मेरा अनुभव शायद शब्दों में बयां करने लायक नहीं है, बट फिर भी आप पूछ रही हैं तो बहुत अच्छा अनुभव रहा मेरा। यहाँ करीब 6-7 दिन का यहाँ पर स्टे रहा, जिसमें हम सब बहुत बड़े बड़े साहित्यकारों और कवियों से मिले। उनका सानिध्य ही जो है वो मेरे लिए, मैं तो वाकई गौरवान्वित हो गई और धन्य हो गई, और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं बच्चों को पढ़ाती थी तो मेरा वो सहयोग था हिंदी में, और शायद यहाँ आ कर के जो मैंने सहयोग दिया वो शायद मेरे लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट है। और इतनी खूबसूरत जी नेचुरल एनवायरनमेंट में आप अपना हिंदी को देख रही हैं, लोगों को देख रही हैं, बहुत सुंदर। तो एक बात और बताएं कि सैलानी की दृष्टि से मॉरिशस आपको कैसा लगा? हिंदी तो अच्छी बात है जी, ये तो हम सभी के लिए गर्व की बात है, बट आप बताएं कि सैलानी की तरह आपको कैसा लगा? सैलानी की दृष्टि से तो खैर मॉरिशस एक टूरिस्ट स्पॉट है ही, और भारत से आने वाले लोग और भी देशों से आने वाले लोग भी, उनको बहुत मन भाता है, उनको यहाँ की नेचुरल ब्यूटी, यहाँ के लगूंस, यहाँ के बीचेस, यहाँ की ये एक्वा लाइफ रियली इट्स सो ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है, दिल को छू लेने वाली। मन तो नहीं कर रहा वापस जाने का, बट समय की सीमा है। शायद पर्यावरण भी बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, मतलब हमने रेनबोज जो है वो इतने रेनबोज इन 7 दिनों में देख लिए जितने शायद 7 सालों में नहीं देखने को मिलते। बहुत सुंदर। अंत में आप कुछ संदेश देना चाहेंगे हिंदी के लिए? जी बिल्कुल, हाँ हिंदी के लिए बस मैं यही कहना चाहूँगी कि भाषा कोई भी हो उससे हमें प्रेम करना चाहिए, लेकिन हमारी अपनी जो भाषा है हिंदी हमारी, वो हमारी जान शान मान सब कुछ है। और मैं बिल्कुल, और मैं आज के बच्चों से ये कहना चाहूँगी कि सभी भाषाएं सीखो, सब भाषाओं में ज्ञान अर्जित करो, लेकिन हिंदी भाषा को बोलने में जो बच्चे शर्म महसूस करते हैं
बस वो ख़त्म कर दें, ये हमारा गौरव है। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर बात। और मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि एक हमारी पुस्तक का विमोचन भी हुआ है जिसका नाम है प्रवासी भारत, और उसमें मेरा एक लेख छपा है, हिंदी भाषा नहीं मेरा प्रेम, ये मैं अपने चैनल पे भी दूंगी बच्चों को, आप भी अगर मौका मिले तो कभी पढ़े। बिल्कुल, बहुत सुंदर, तो वाकई हिंदी भाषा नहीं है रियली मेरा प्रेम है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। और जिस तरह हर एक देश के लोगों को अपनी भाषा पे गर्व होता है, मुझे लगता है हम हिंदुस्तानियों को भी अपनी भाषा पे बहुत गर्व होना चाहिए और जितना हो सके हर देश में उसको पहुँचाएं, क्योंकि आज की समय में मैं देख रही हूँ कि दुनिया के हर कोने में हम भारतीय बसे हुए हैं। बिल्कुल, तो हिंदी क्यों नहीं, क्यों नहीं, बिल्कुल। धन्यवाद।